सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पूरे देश में मिशन समृद्धि की चर्चा जोरों पर है। पलामू जैसे छोटे से जगह से महिला कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और सेवा को प्रधानमंत्री मोदी ने भी सलाम भेजा है। पलामू की प्रशासन भी अचंभित रह गई। तभी तो पलामू डीआईजी विपुल शुक्ला मिशन समृद्धि की पाठशाला पहुंचकर तारे जमी पर लाने की पहल भी की। देखिए कैपिटल न्यूज स्पेशल में पाठशाला में प्रशासन। ये तारे हैं उस पलामू की जमी की जिसके हिस्से में रही बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, लाचारी। उस पलामू की जमी पर बैठे ये सितारे इन्हीं अभिशापों से जूझते परिवारों के हैं। पर अपनी बदहाली को भूल पलामू को सजाने संवारने के जज्बात दिल में लिए पढ़ने को व्याकुल हैं। भले ही इनके तन पर कपड़े पुराने हैं, भले ही इनके पास महंगे कॉपी किताब पेंसिल नहीं है, मगर इनके पास है दीदियां, मिशन समृद्धि की रोटी दीदी के नाम से प्रचलित आंटियां, जिनसे आस है सब कुछ पाने का, जिनसे उम्मीद है सीखने का, जिनसे मिलता है मुफ्त का हर वो ज्ञान जो बनाएगा अच्छा नागरिक, बेहतर इंसान। समाज सेवा करना चाहेंगे। समाज सेवा? यस सर। क्यों, समाज सेवा में क्या? सर कुछ नहीं, हमको बस लोगों को खुश करके हमको अपने खुश होना। मैं डीआईजी सर आए थे, उन्होंने हमें पेंसिल, कॉपी, रबर, कटर, टॉफी, बहुत सारी चीज़ें दी। अच्छा लगा मिलके। डर नहीं लगा पुलिस से? नहीं। क्या बनना है? हमें टीचर बनना है। शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर बनने से लेकर डीआईजी बनने के ख्वाब पालने वाले इन मासूमों को भले ही इन पदों का मतलब पता ना हो, पर इन्हें इतना तो जरूर पता है कि बनना कुछ भी हो पर करना समाज सेवा ही है। यह सोच किसी सरकारी या व्यवसायिक पाठशाला के विद्यार्थियों का नहीं है, ये सोच है समृद्धि की पाठशाला के बच्चों का, जिसका संचालन सामाजिक सरोकार के धनी इंसानों और पलामू को नई पहचान देने वाली महिला कार्यकर्ताओं के बदौलत हो रहा है। किराए के मकान में रहने वाले बैंक अधिकारी व उनकी पत्नी के लिए उनकी सामाजिकता किराए की मोहताज नहीं, जहां न तो संसाधन के अभाव में कर्तव्य भूले जाते हैं, ना ही कर्म करने में कोई परहेज करता है। तो इतनी खुशी होती है कि लगता है कि मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। इसके मिशन समृद्धि में बच्चों के पास आकर के पढ़ा के अपने आप को धन्य समझते हैं। जो आज हम लोग पैसे से नहीं कर सकते वो फ्री में करके, और बहुत खुशी होती है जो हमें पैसा दे उससे भी हमको मतलब लगता है कि वो बेकार है। आज बच्चे जितने हमारे ऊपर जा रहे हैं और बच्चे खुश हैं, हम लोग हंसते हैं, तो हम लोग को लगता है कि अपनी ज़िंदगी मिल गई कोई अच्छा सा। जैसे छोटा बच्चा से आदमी प्यार करता है, वही हमारे बच्चे हैं। अगर एक दिन कम आते हैं तो लगता है क्यों आज बच्चे इतना कम क्यों आए, कल उनको किस तरह से प्रोत्साहित करें जो हमारे पास आकर के हुआ है। क्योंकि मिशन समृद्धि का यही है कि बच्चों को समृद्ध बनाया जाए। जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम लोग उनको कुछ जनरल नॉलेज ये सब सिखाएँ, जनरल चीज़ सिखाएँ, डिसिप्लिन कैसे रहना चाहिए, बच्चों को पड़ोस से कैसे बात करना चाहिए, और ये सिखाते हैं। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित बांकी रोड में अवस्थित मिशन समृद्धि के कार्यालय में इन बच्चों को नया अनुभव मिला। पुलिस के नाम से खौफ ज्यादा रहने वाले बच्चों ने अपराधियों पर कहर बनकर बरसने वाले पुलिस अधिकारी के आंखों में अपने लिए प्यार, अपने लिए दुलार देखा। हथियार व डंडा चलाने वाले हाथों में चौक से लिखते पढ़ाते देखा और सीखा गलत काम नहीं करने की सीख। पुलिस उपमहानिरीक्षक के आने से पहले लेडी सिंघम के नाम से प्रचलित महिला थाना प्रभारी
इन मासूमों को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और चौक डस्टर लेकर बन गई टीचर और पढ़ाने लगी नैतिकता का पाठ। ये चूंकि इन लोगों को देख के अपना बचपन भी याद आता है कि हम लोग इसी तरह स्कूल जाते थे, नेटल पोटल जो है के पुराने कपड़ों में, क्योंकि हमारा बचपन गरीबी में बिता है। तो अच्छा लगता है बच्चे इतना सिंसियर हैं भविष्य के प्रति कि भाई पढ़ने के कुछ करना है। क्योंकि यहाँ आके एक ही चीज़ मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि अच्छी इंसान बने, जो कि अभी वर्तमान में देख रहे हैं आज की युवा पीढ़ी थोड़ा संस्कार से थोड़े से भटक गए हैं फैशन में बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि जो मान सम्मान बड़ों को देना चाहिए या जो अच्छा नागरिक बनने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें बच्चे यहाँ पे आके सारा सीखे, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी के समय। कहते हैं ईमानदार नजरियों को देर से ही सही मगर मिलता है मजबूत साथ। ये कहना गलत नहीं होगा तब जब पलामू रेंज के डीआईजी विपुल शुक्ला को इस पाठशाला की जानकारी मिली, जहां तारे जमीन पर मुहिम के तहत चमकते मासूम सितारों के लिए कॉपी, पेंसिल, किताब, कपड़ा, रबर, टॉफी समेत ढेर सारा प्यार लेकर अपनी अर्धांगिनी समेत पहुंचे, मगर जमीन पर बैठे तारों के लिए चिंतित हो बैठे। अब तो डीआईजी साहब को यहाँ आना रोमांचक भी कर गया और अपने अंदर बैठा भारतीयता इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित भी किया। बहुत ही रोमांचक रही। असल में मैंने इसके विषय में पढ़ा था पेपर में कि यहाँ एक पाठशाला चलती है जिसमें कि काफ़ी गरीब तबके के परिवार के बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और बड़ी ही विकट परिस्थिति और कठिन परिस्थिति में पढ़ रहे हैं। और मुझे ये मालूम पड़ा था कि शायद ये जो कूड़ा चुनते हैं या कोयला चुनते हैं वो बच्चे, तो मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी कि हम लोग देखें कि कहाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि जो पेपर में निकला था वो अतिशयोक्ति नहीं थी और बच्चे जो हैं वास्तव में उस परिवार के बच्चे हैं जिनको जो कि जिनके पास पढ़ने के लिए माने पैसा नहीं है या कोई बहुत सी कमी है और यहाँ के जितने टीचर्स वगैरह सब मिल के इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज शायद करीब 40 बच्चे यहाँ बैठे हैं और ये लोग बताते हैं कि और भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, संभवतः जितिया के कारण ये नहीं आए। तो आप लोग के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा जो भी हम लोग को देख रहा है, इन बच्चों की बहुत सी मदद आप लोग करते हैं हर जगह। अगर हम लोग इन बच्चों की लगातार मदद करें तो ये 100 बच्चे पलामू के ही बच्चे हैं, इनको पलामू के लोग अगर मदद कर लें तो इनके इनका भविष्य बदल सकते हैं। बिल्कुल। डीआईजी को देख डीआईजी बनने की चाहत बयां कर बच्चों ने जहां मन मोहा वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक के सवालों का जवाब देकर जता दिया कि वाकई में समृद्धि की पाठशाला के विद्यार्थी हैं जिन्हें विषय वस्तु के अलावे व्यवहारिक, नैतिक और सामाजिक ज्ञान दिया जाता है, जिनके हौसलों को उड़ान देने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। नहीं पलामू में मतलब किस जगह पे पापा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पलामू में जिंदगी आपको रोज कुछ ना कुछ सिखाती है। और इन बच्चों को देखकर यही लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो लोग देखिए हम लोग तो आज इनको देखने आए, लेकिन जो लोग मेहनत करके टीचर्स और इनको जो पढ़ा रहे हैं सबसे बड़ा क्रेडिट उनका है। कैसे इन लोगों ने ये परिकल्पना की कि यहाँ पे आए और इन बच्चों को लाए और कैसे इन बच्चों को इन पर कॉन्फिडेंस हुआ, क्योंकि आजकल की जो हमारी पढ़ाई की जो सिस्टम है उसमें लोगों को ये लगता है कि जहाँ फीस होनी चाहिए या फिर यूनिफॉर्म होगा वहीं पढ़ाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना कोई ना कोई फीस है ना कोई यूनिफॉर्म है, फिर भी 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और ये 100 बच्चे अगर बिना और ये टीचर जो भी कर रहे हैं इनसे बड़ी समाज सेवा कौन कर रहा है। मैंने हम लोग अगर किसी को कंपेयर करना चाहें तो मैं समझता हूँ इनसे बड़ा समाज से भी आज की सर अंतिम सवाल की। पुलिस उप महानिरीक्षक के आगमन से जहाँ पाठशाला के बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर बन गया वहीं उस अवसर का बड़ा फायदा भी मिला। एक और मार्गदर्शक, एक और टीचर, एक और समृद्धि की राही मिल गई जो पूनम की चांद की तरह इस पाठशाला के अंधेरे को मिटाकर इन पलामू के तारों में प्रकाश भरेगी, जिनके छांव में ये सितारे जगमगाएंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक की जीवन संगनी पूनम शुक्ला ने मिशन समृद्धि के संग चलने का भरोसा जो दे दिया।
में बहुत सारी और दूसरी सेवाएं ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत है बच्चों को और उनके बारे में बताने की भी ज़रूरत है। तो जैसे जैसे ये बड़े होंगे जानेंगे इस बात को कि आगे चल के हम क्या करके समाज की सेवा कर सकते हैं, या चूँकि इनकी सेवाएँ हुई हैं इस तरह से तो इन्हें पता होगा कि आगे हमें भी चल के कुछ दूसरों का भला करना है, समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम करना है, तो ये आगे भी अपना खुद से अपना निर्माण कर सकेंगे। क्या खाली समय गुजारना चाहेंगे हमेशा यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, जब समय मिलेगा जरूर आना चाहेंगे। मिशन समृद्धि के तहत संचालित समृद्धि की पाठशाला की जितनी सराहना की जाए वो कम होगी। जो भी यहाँ आता है वो अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहता है, पढ़ने के उतावले कर्णधारों को पढ़ाना चाहता है। शायद पलामू के हर थाने में दुल्लर हो जाएं, घर घर में विपुल पूनम की जोड़ी अपने पद से उठकर समाज के प्रति संवेदनशील हो जाए तो शीला और उनकी टीम सचमुच में तारों को जमीन पर उतार लाएगी, जिसका जनक पलामू की जमी होगी, जहां समृद्धि ही समृद्धि होगी। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।